मेरी आंख तो महावे सिंह के टाइम होता होगा ना भैया, वहाँ हर उस अभी वो फूल जो है ना वो खत्म हो गया, उसमें बादाम बन गया। इस वक्त ये हरा और भरा चल रहा है, हरा और चले अच्छा फोटो है मेरे क्या यहाँ से बादाम की जो है एक्सपोर्ट कर दी लाइव शिकना ते ओ थॉस हां यार चले अगर क्यों बिजु सजा सतलो जेसी भी से तो था ना हमारा ध्यान मत भटकाओ यार ध्यान मत भटकाओ बकरी पहलवान नहीं बकरी जवान है गधा पहलवान गधा क्यों पहलवान है वो रिशिन में होता है क्यों पहलवान रिशिन में रिशिन में थोड़ी वजाहत कीजिएगा रिशिन हाउस मत सो आ शर्मा रहे यार थोड़ा सा शर्मा हटाओ ये हमेशा शर्मा रहे उस दिन हाउस बोट में भी चढ़ गए वहां पर उसने बोला वो गधा पहलवान कुछ ऐसे ही बोला था वैसे लाइनस तो अच्छा बोलते हैं लेकिन अब जब हाँ कैमरा में जब कैद होता है ना तो फिर वो थोड़ा सा इमोशंस में आ जाते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ बोलना है ये चीज़ नहीं बोलना है वो क्या बोल रहे हैं लोहा गर्म है बड़ा बेशरम है कुछ तो ऐसे वन लाइनर मांगते हैं नहीं बोलते हैं क्या बिल्कुल अल्लाह का करम है पराठा का अल्लाह का करम है पराठा का लोहा गर्म है अल्लाह का करम है बस यार ये तो इसके अच्छे वर्ड्स हैं कुछ लाइनस अच्छे अच्छे कभी कभी बना लेते हैं रशीद भाई बड़े आलिम है अंदर से लेकिन बारिश नहीं बारिश बिल्कुल शांत है आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फात भाई यहाँ पे बादामवाड़ी में कैसा एक्सपीरियंस रहा हवा जला बहुत पीसफुल है अच्छा अच्छा और वो परफॉर्मेंस देख के तो फिर हाँ, थोड़ा मजा आ गया बड़ा टैलेंटेड बच्चा था लाइक जो चीज जो नाम यानी इतना पीसफुल है कि जो संगीतकार जो गायक लोग हैं दे प्रेफर दिस प्लेस क्योंकि उनको शांति मिलती है यहाँ पे और जो नाम रखा है दैट्स वर्थ ऑफ इट लाइक अच्छा बादाम वेयर लिखा है वी ए आई आर कश्मीरी वेयर लेने क्या कश्मीरी वर्ड वेयर कश्मीरी वर्ड हम वेजिटेबल गार्डन को बोलते हैं वेयर ये कश्मीरी वर्ड इसी तरह ये इट्स द गार्डन ऑफ लाइक बादाम गार्डन ऑफ आलमंड्स गार्डन ऑफ आलमंड्स दैट्स वेरी गुड बादाम इट्स उर्दू वर्ड तो हम वारी वारी क्यों बोल रहे हैं वर इट्स कश्मीरी इट्स कश्मीरी वर्ड ये कश्मीरी में हम वर गार्डन को बोलते हैं ठीक है उर्दू में बादाम वारी नाम बादाम उर्दू में बादाम उर्दू और कश्मीरी का बादाम वर बादाम कंबाइन करके उर्दू और कश्मीरी तो इट्स वर्थ कि हां जो नाम रखा है उसके बहुत सारे पेड़ यहां पेड़ यहां पे मैक्सिमम देखिए यहां पे आलमंड्स के पेड़ व्हाट इज द एंट्री फी लाइक
एंट्री फी कितनी है यहाँ पे? 10 रुपए की फीस? 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है, बिल्कुल। और ये अभी आप जानते होंगे, ये तो सर्वकुल बोलते हैं कश्मीर में, सर्वकुल। अच्छा, मुझे नहीं पता, इरफान भाई बताएंगे, मुझे नहीं पता। इसको पुष्कुल बोलते हैं वैसे डायरेक्टली पुष्कुल जनरल में बोलते हैं, मतलब जो भी फ्लावर्स होते हैं ना उसको पुष्कुल बोलते हैं, फिर उसमें गुलाब होता है, उसमें बाकी होते हैं। लेकिन मैं जनरल में के लिए द बेस्ट टाइम टू विजिट बादामवाड़ी इज एक्चुअली द मंथ ऑफ मार्च, आफ्टर 15 मार्च यू हैव टू कम आफ्टर 15 ऑफ मार्च, सीइंग द ब्लूमिंग फ्लावर्स होते हैं। अभी तो वो विल्ट हो गए और फिर बाद में बादाम बन रहे हैं। वैसे इनकी ड्राई फ्रूट की शॉप है, कश्मीर से आता है ना अपना बादाम पे, कश्मीर से आता है बादाम। और ये आप लेके गए थे लास्ट टाइम ना, बादाम के पेड़ों पर दिखाया था, और उस टाइम लकीली बादाम था भी, हमने तोड़ के दिखाया था आपको व्हाइट वाला जो अंदर से। हाँ जी, तो ना सिर्फ बादाम के पेड़ है यहाँ पे और भी है। फॉर इंस्टेंस आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कुछ पेड़ों को? कुछ को तो हमने पीच वाला किया था, दिस वन इज अनार। Are you sure? नहीं यार, कुछ भी अनार नहीं, पोमेग्रेनेट है, सूखे वहाँ पे देखो 100%। अरे लगे हमारे जूट की तो गवाही इसने खुद दे दी, कुछ है नहीं आपके ड्राई फ्रूट शॉप पर? अनारदाना आता है ना, अनारदाना हमारा उड़ी से आता है अनारदाना। अभी करंटली देखो अभी कश्मीर में इतना प्रोडक्शन नहीं होगा। हाँ नहीं, उड़ी कश्मीर में ही जगह है ना। अच्छा, उड़ी का लास्ट टाइम मैंने वीडियो में दिखाया था, अनारदाना डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, अगर किसी को गैसेस का प्रॉब्लम उसके लिए अच्छा होता है, एसिडिटी के लिए अच्छा होता है। जो अनार होते हैं वो वाइल्ड अनार, उनको सुखाया जाता है, उसके ऊपर दिया जाता है। हमने एक दो तीन रील्स भी डाली है आपके चैनल पे अनारदाना के बारे में, पर हम बेचे नहीं है कभी प्रोडक्ट का। हाँ बेचे हैं हमने बहुत जगह बेचे भी है। और चटनी जो बनती है ना फाइव स्टार होटल में, जो स्टार्टर चटनी होती है उसमें भी स्पेशली अनारदाना डाला जाता है। आप देख देखा है आपने, ये वाला पेड़ जूम कीजिए, इसको कायर बोलते हैं, कोई अक्सर में ये जंगल में होता है, लेकिन यहाँ पर ये इसको ज्यादा डेकोरेटिव बनाने के लिए इन्हें यहाँ पर प्लांट किया है। ये वाले पेड़ जो है इसमें किया जाता है टिम्बर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये जंगल में। और ऐसे वाले ही पेड़ जो है वो अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, ये पाइन फैमिली से है, और इसी में वो पाइन नट्स पाए जाते हैं, ऐसे वाले ट्रीज में पाइन नट्स। ये क्या है जो फूल जैसा है? छंग नहीं, ये जो ऊपर जैसे लगा हुआ है। हाँ वही ना, अच्छा वही है, अभी कली है। हाँ, ये फिर जाके बने हुए इस्तेमाल करते हैं। ओके, और ये देखिए ये वाला जो ट्री है, कायर भी होता है, बुदुल भी आता है, ये पाइन फैमिली में से आता है। ओके, ये वाले ट्रीज टिम्बर दोनों के लिए यूज करते हैं, जो अपने अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, उसी में चिलगोजा निकलता है, पाइन ट्री चिलगोजा निकलता है। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। अब सिमिल देखो बात में, इसका बहुत अल्लाह का करम है, जैसे पाइन नट के साथ जो थोड़ा सा है। अभी तो क्या स्मेल नहीं आ रही है, अभी बीच में स्मेल नहीं आ रही, अभी नहीं वो, क्योंकि इसको कल मैंने साबुन से धोया था तो इसीलिए स्मेल नहीं आ रही है। और व्हाट ट्री इज दिस? ये भी वही है, पिंक फ्लावर वाला, पिंक फ्लावर वाला, पीच वाला, पीच। अच्छा, ये पीच है, हमने वहां पे पीच वाला, यहां पे पीच है, अनार है, बादाम है, बादाम है, और कायर है, पाइन फैमिली में से। और भाई भा आपको अभी टेम्परेचर कैसा लग रहा है? ठंड लग रही है आपको? नहीं, अब तो ऑलमोस्ट बहुत अच्छा है ना, गर्मी के प्लेजेंट है, बहुत अच्छा है, गर्म भी नहीं है, प्लेजेंट गर्म भी नहीं है, और प्रेशर नहीं लग रहा। ये वाला गेट इंडिया गेट के साथ मैच हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा आपको? हाँ, इंडिया गेट के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है, ओल्ड क्लब चल रहा है। और यहाँ पे जाने के लिए गंडोला राइड अवेलेबल, गंडोला राइड भी अवेलेबल है, बाई रोड भी आप जा सकते हैं। चीजें अच्छी है कश्मीर में हर जगह, चाहे गुलमर्ग की बात करें, दूध पथरी की बात करें, यूसमर्ग की बात करें, सनमर्ग की बात करें, तो बोलते ना इफ देयर इज अ पैराडाइज ऑन अर्थ इट्स दिस। अगर फिर दोस्त बरो ये जमीन हमें अस्तो। दैट्स इट। यहाँ पे हर जगह देखने के लायक है, यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अच्छी है, वेदर अच्छा रहता है, लोग अच्छे हैं, लोग पीपल आर वेरी हॉस्पिटेबल, लाइक यहाँ पे टूरिस्ट का फ्लो थ्रूआउट ईयर बहुत अच्छा रहता है, एंड पीपल लोग यहाँ पे बड़ी खिदमत गुजारी करते हैं, एंड दे बिहेव वेल विद द पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड स्टेट्स। और इसके अलावा क्लाइमेटिक कंडीशन भी बहुत अच्छी है, कोई टूरिस्ट नहीं दिखेगा आपको, लोकल्स है सारे। अभी दिखे थे मुझे, हाँ यहाँ पे ज़्यादातर लोकल ही आते हैं यहाँ पे, और हम वहाँ पे जाते हैं। टुलिप गार्डन जो है, टुलिप गार्डन जो आता है एशिया का सबसे बड़ा है, तो वहाँ पे जो है
वो इसके करीब ही है क्या? करीब नहीं है लेकिन हाँ उस साइड पड़ता है वो, दलगेट साइड, वहाँ पे अपना टूरिस्ट का फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पर देखो लोकल ज़्यादा पसंद करते हैं आना, और कुछ फॉरेनर भी आते हैं। अभी देखे थे जब हम आ रहे थे तो एक दो फॉरेनर्स निकल के जा रहे थे, कश्मीरी हो गए, कश्मीरी भी तो फॉरेनर जैसे। कश्मीर में हर जगह देखने के लायक है, लोग अच्छे हैं, जगह अच्छी है, क्लाइमेट अच्छा है, एवरीथिंग। ठंड भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, अच्छा है। course, इनके वहाँ इनके शॉप के उधर रात में तो बहुत ठंड पड़ती है। वैसे डिफरेंट है, हां एक्चुअली वी आर लोकेटेड ऑन द गोमा, हम थोड़े ऊपर है तो वो थोड़ा सा है, वहाँ पे टेंपरेचर थोड़ा डाउन रहता है। कंपैरेटिवली अगर आप समर्स में भी देखें, समर्स में भी अभी हम मेन स्ट्रीम है तो मेन स्ट्रीम से कंपेयर जब हम टेंपरेचर करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा टेंपरेचर डाउन रहता है क्योंकि बिकॉज वी आर नियर टू द गोमा, वो चीज है। बाकी वी आर एग्जिटिंग फ्रॉम दिस पार्क, वी हैव एक्सप्लोर्ड यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज जो आपने बता भी दिए। बादाम वगैरह इसका नाम है, बादाम उर्दू वर्ड है जिसे हम आलमंड बोलते हैं, एंड वर कश्मीरी वर्ड है जिसे हम गार्डन बोलते हैं। अच्छा, इन द नियर बाय ट्यूलिप गार्डन, इफ देयर आर नॉट ट्यूलिप्स तो ऑफ सीजन में क्या होता है, बंद होता है वो पूरा? अप्रैल में ही चलता है बस, इसे अप्रैल में बाकी मतलब इतना बड़ा है वो सेवनी पर एकड़ है, दैट इज स्पेशली मेंट फॉर द अप्रैल। व्हाट फ्लावर इज दिस? हिबिस्कस, आई डोंट नो, मालूम नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन बड़ा सुंदर है ना, सुंदर है। और इसको गंडेल बोलते हैं। एंड द थिंग इज मेंटेन है ना, यानी लोग भी कितने एजुकेटेड है कि इसको आई कोई प्लक नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली, ना पीपल आर कमिंग इन देयर इज वॉक इन ब्यूटी, अगर हम दिस इज आवर एसेट, जब हम इसको ठीक रखेंगे, साफ रखेंगे, डेफिनेटली द पीपल विल कम मोर एंड मोर पीपल। कोई भी प्लक नहीं कर रहा है फ्लावर्स को। हाँ, यहाँ से एग्जिट है, एग्जिट तो यहीं से है। 16 नफर जिम्मे बात है, कश्मीरी हाउस ओल्ड टाइप, आई थिंक वॉशरूम में, आई थिंक वॉशरूम है, वॉशरूम है, मैं जा रहा हूं वॉशरूम। सर पहले इसे देखिए, घर के ऊपर भी गैस चढ़ी है, देखो ब्यूटीफुल ना, छत के ऊपर भी, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ऐसा लग रहा है कि वी आर जस्ट गोइंग बैक टू लाइक अ ओल्ड लाइफ, वैसे क्लब स्टाइल। हां जॉर्ज भाई हो, इसे बोलते हैं ना हेरिटेज लुक है इसका, हेरिटेज लुक है वॉशरूम आई वैसे। हां ठीक है, उनका भी हेरिटेज वॉशरूम जेंट्स लिखा है तो मतलब मैं जा सकता हूं क्या? ऑफ कोर्स यू कैन, इफ यू कंसीडर योरसेल्फ। आता हूं ना, बहुत देर से आएगा, कमिंग बैक है। म्युनिसिपैलिटी को बोला वो कुछ सामान लेके, क्योंकि ये कम कंटेंट नहीं करता। हां, पहले तो देखो भाई, औरत का है जेंट्स का, मामला उल्टा हो जाएगा। जैसे फहद भाई, आपका आपको यहाँ पर दिखा दे, थोड़ा जूम कीजिएगा। चलिए, अभी वो लेडीज वॉशरूम की जूम करने बोल रहे हो आप मेरे को? नहीं नहीं नहीं, लेडीज आप मत जूम मत कीजिए इधर, क्योंकि वहाँ पर हालत खराब हो सकते हैं, पिटाई पड़ सकती है यहाँ पर रात के अंधेरे में। अब रशी को क्या बोल रहे हो भाई? अरे यार क्या हो गया यहाँ पर, रशी पर किसी ने चलिए बहुत मजा आया बादाम बरी घूमकर। yes. वैसे आप तो रियाद में है ना सेटल? जी जी बिल्कुल, है ना, या अल्हम्दुलिल्लाह। इंजीनियर राइट? हाँ इंजीनियर, इंजीनियर इन रियाद, वेकेशन पे आए हैं वैसे? वेकेशन में, वेकेशन पे तो नहीं आया हूँ, दूसरी कंपनी में ये जॉब। अच्छा, यू लेफ्ट दैट जॉब, अभी जो ज्वाइन किया था, अभी दूसरी कंपनी में? वो हां वो छोड़ के अभी दूसरा, हां अभी दूसरी कंपनी में जा रहा हूं। और उसी कंट्री में? हां उसी कंट्री में, रियाद में। हां घर जैसा लग रहा है यार अभी, मजा आता है रियाद में काम करने में? हां बहुत मजा आ रहा है यार। How is the yani expenses kaisa, how is the accommodation, cost of living manga hai yaar? Haan cost of living to hai, lekin kya hota hai wo stability hote hai na, sukoon jisko bolte hai aap, sukoon wo zyada sukoon hai, matlab koi wo chor chakkeri nahi hai, ye koi khana jo hai zabardast number 1 quality ka hai। Aap jaake aaye to kya sikha saudi jaake, saudi mein reh ke aaye ho kafi mahine, 6 mahina kya sikha? 6 mahine nahi, 5-6 saal, 5-6 saal leke aaye abhi, last time to the na 6 mahine pehle, 5-6 साल रुके हो? हाँ 5-6 साल। तो क्या सीखा है वहाँ से? सबसे पहले तो मैंने ड्राइविंग सीखी यार, जो मैं इंडिया में सीख नहीं पा रहा था, कश्मीर में नहीं सीख पा, कश्मीर हाँ कश्मीर में सीख ही नहीं पा रहा था, और वहाँ पर लैंग्वेज भी सीखी, अब अरबी में थोड़ी बहुत। अरबी? हाँ नॉट फुल बट आई कैन टॉक, ओके आई कैन गिव आंसर्स इन अरबी। व्हाट एल्स डिड यू लर्न? एंड
नमाज के पाबंद होना सीख गया. दिस इज द बिगेस्ट थिंग. यस लिटरली दिस इज द बिगेस्ट थिंग आई लर्न देयर. और खाने में? और खाने में तो खाना एकदम सेल्फ सफिशिएंट. कुकिंग वुकिंग सब खुद करते हैं? कुकिंग मैं इंडिया में करा. मैं बीटेक किया है चंडीगढ़ से पंजाब में. तो वो तो मैं उधर से ही किया. कुकिंग मैं उधर ही सीखा था. और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ पर कास्ट लिविंग है ना, मतलब हर चीज़ में वो बराबर एक्सपायरी होती है. ये नहीं कि कुछ भी एक्सपायर हो खा लो. सब श्रीनगर में है बादाम बारी. जी जी चलिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.